मुझे खुशी है कि हजारीबाग के कुछ नौजवान मिलकर हजारीबाग के ऊपर इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि हजारीबाग एक बहुत ही सुंदर और अनूठा शहर है, और इसके सुंदर दृश्यों को दिखाना, इसकी उपलब्धियों को दिखाना अपने आप में एक बहुत ही रोचक विषय है। हजारीबाग झारखंड का एक ऐसा शहर है जो जाना जाता है अपने प्राकृतिक तथा मानव द्वारा निर्मित सौंदर्य की वजह से। इस शहर की पहचान होती है यहाँ की प्रकृति से, पहाड़ों से, झील से, पुराने भवनों से और यहाँ की कला संस्कृति से। यहाँ के मौसम तथा जलवायु की वजह से कभी ब्रिटिश सरकार ने हजारीबाग को इस देश की राजधानी बनाने का विचार रखा था। इसे झारखंड का शिमला भी कहा गया है। ये शहर है हजार बागों का, ये शहर है कला और कलाकारों का। आइए जानते हैं इस अतुल्य शहर को और भी नजदीक से। शहर के उत्तरी भाग में स्थित है प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हजारीबाग का झील। ये शहर का वो भाग है जिससे इस शहर की सुंदरता को चार चांद लग जाता है। इस क्षेत्र में क्रम से 7 झील हैं, जिसका जल कभी सूखता नहीं। यहाँ हर रोज लगभग 1000 लोग इस सुंदर झील को निहारने आया करते हैं। शरद ऋतु में प्रवासी पक्षी भी इस झील क्षेत्र के शरण में आते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल बनने के समय पानी और ईंट की जरूरत को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में झील की खुदाई हुई थी। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने इस झील के पानी में जस्ता मिला दिया, जिसे पीने से यहाँ के कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए, जिससे ये साबित होता है कि ये झील अंग्रेजों के दमनकारी सोच का प्रतिबिंब है और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का भी प्रतिबिंब है।
जिस झील को अंग्रेजों ने हम भारतीयों को कष्ट पहुंचाने के लिए खोजा था, वही झील आज शहरवासियों के लिए एक वरदान के समान है। झील परिसर के दीवारों पर कोहबर तथा सोहराय कला को सुंदरता के साथ बनाया गया है, जो झील को और भी सुंदर बनाती है। जो झील कभी हम भारतीयों के लिए एक अभिशाप था, उसी झील पर आज हर दिन लगभग 1000 व्यक्ति सुबह तथा शाम को टहलने के लिए आते हैं तथा स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। हजार बागों का शहर है हजारीबाग। लोग कहते हैं, इतिहास गवाह है कि हजारीबाग कितना खूबसूरत है। कुछ जो डेवलपमेंट है उसका कुछ बुरा असर दिखता है यहाँ के वातावरण पे, लेकिन लोग भी जागरूक हैं। अब लोग स्वेच्छा से शहर की सफाई कर रहे हैं, इस खूबसूरत झील की सफाई कर रहे हैं, और लोगों को ये एहसास है कि अगर हजारीबाग का वजूद मिट जाएगा तो हम लोग का भी वजूद मिट जाएगा। लोग जागरूक हुए हैं, दीवारों पे पेंटिंग का काम हो रहा है, शहर की सफाई हो रही है, झील की सफाई हो रही है, और लोग स्वेच्छा से अपना समय साफ सफाई पे दे रहे हैं कि हजारीबाग पुनः अपनी उसी स्थान को बराबर बरकरार रखे। और रही बात हजारीबाग और हजारीबाग की सुंदरता, यहाँ का मौसम, तो इसकी तुलना अगर हम लोग कहीं अन्य दूसरे जगह से करते हैं तो हमको लगता है कि तुलना में अगर हजारीबाग को ही अगर देखेंगे काफ़ी आगे नज़र आएगा। शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसता है इस शहर का दिल। यहाँ के लोग इस दिल को कनहरी पहाड़ के नाम से जानते हैं। ये वो पहाड़ है जो शहर के लोगों के साथ साथ बाहर से आए सैलानियों को भी अपनी ओर खींचता है। लोग कहीं से भी आए हों, इस पहाड़ की सुंदरता को नजदीक से देखने कनहरी तक पहुंच ही जाते हैं। कनहरी की खासियत यह है कि इस पहाड़ पर एक पीला रंग का पक्षी, जिसे कैनरी के नाम से जाना जाता है, यह अच्छी संख्या में पाए जाते हैं, और इसी वजह से इस पहाड़ का नाम भी कैनरी पड़ा। मगर यहाँ के लोग इसे कनहरी ही कहते हैं। लोग दूर दूर से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस पहाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए भी आया करते हैं। 80 के दशक तक पहाड़ और इसके आसपास के जंगलों में बाघ, लकड़बग्घा, हिरन तथा अन्य कई वन्य जीव पाए जाते थे। मगर आज लकड़बग्घे तो बड़ी मुश्किल से कभी कभी दिख भी जाते हैं, परंतु अन्य जीव इस क्षेत्र से लुप्त हो गए हैं। सैलानियों के ठहरने तथा यहाँ की प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण भी किया गया है। पहाड़ का ये भाग भी काफी आकर्षक है। इस जगह पर काफी आकर्षक चबूतरा भी बना हुआ है।
इस चबूतरे से सामने के जंगल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछाई गई हो। यहां से सामने के कई अन्य पहाड़ों को भी देखा जा सकता है। लगभग 600 चिड़िया चढ़कर इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जा सकता है। यहां से पूरे शहर को देखा जा सकता है। कन्हरी की चोटी पर बना भवन कन्हरी को अन्य पहाड़ों से अलग बनाती है। यह भवन लगभग 100 वर्ष पुराना है। इसके बावजूद इस भवन की मजबूती अब तक बरकरार है। कन्हरी के नजदीक गांव जगदीशपुर के लोगों का कहना है कि इस भवन को बनने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। और अब इस पहाड़ की चोटी पर बने भवन को सरकारी सुरक्षा की भी जरूरत पड़ने लगी है। बंगाल उड़ीसा तथा बिहार के पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए एक समय में एक प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत थी, जिसे पूरा करने के लिए पीटीसी बना। उस वक्त पीटीसी का भवन एक जज का लोरेटो प्राइवेरी के नाम से मशहूर हुआ करता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसे इस जज से ले लिया था। उस वक्त यहां बिहार बंगाल तथा उड़ीसा के पुलिस बल प्रशिक्षण लेने के लिए आया करते थे। साथ ही ब्रिटिश सरकार का जिन जिन देशों में शासन था वहां के भी पुलिस यहां प्रशिक्षण लेने आया करते थे।
शहर की दीवारें पर आज कई तरह की कहानियां नजर आती हैं। यहाँ की अधिकांश दीवारों पर झारखंड की प्राचीन कला कोहबर तथा सोहराई को प्रदर्शित किया गया है। पेंट बाय सिटी अभियान के द्वारा हजारीबाग को और भी सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। इस अभियान को कम कंट्रीब्यूट तथा कलर के नारे के साथ शुरू किया गया, जिसमें आम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ के कलाकारों ने इस अभियान पर गाने भी बनाए। पेंट माई सिटी एक ड्राइव है जो हम लोगों ने जिले को खूबसूरत बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इस प्रयास को, इस अभियान को शुरू किया। और पेंट माई सिटी एक ऐसा अभियान है जिसमें हम लोगों ने कोई सरकारी राशि का इस्तेमाल नहीं किया और ये जन सहयोग, जन सहभागिता के ऊपर आधारित एक ड्राइव है। इनिशियली जब हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को कर रहे थे जिले के भीतर, शहर में गंदगी थी, उसकी अपनी स्थिति थी, लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे थे, चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही थी, लेकिन जो सरकारी दीवारें थी उसकी उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत पोअरली सेट था और प्लस्तर वगैरह झड़े हुए थे। हम लोग के मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं इसको रंगने का काम करें, और कैसे रंगे, फंड कहाँ से आएगा, एक बड़ी दिक्कत थी। हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग अपने, मैंने अपने आवास से, आवास की बाहरी दीवारों के ऊपर ही तय किया कि भाई हम इसको रंगेंगे। हम लोगों ने पर्सनली कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ लोगों की मदद ली, ऑफिसर से कंट्रीब्यूशन लिया, और इस कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने जो यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसको सोहराया और कोहबर दो मेजर आर्ट फॉर्म्स हैं, ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं, उसको हम लोगों ने सोचा कि अपनी दीवारों पे कलर करेंगे। दो चीज़ें हैं इसके पीछे, इसके पीछे का पर्पस है कि एक तो सरकारी दीवारें हैं जहाँ फंड क्रंच बहुत ज़्यादा है, फंड की क्राइसिस है, उसको हम लोग ठीक करा सकें। दूसरा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप सड़कों की जितनी सफाई कर लें, हमने सोचा कि इसको एक ड्राइव बनाएं, जन सहभागिता का एक अभियान बनाएं। स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकारी खर्चों और सरकारी पैसों से ही नहीं चलाया जा सकता, और दूसरा दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्र, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ केवल सरकारी राशि की निर्भरता के ऊपर कोई अभियान चलाया जाए तो शहर साफ रहेगा। आप सिंगापुर देख लें, आप वियतनाम जैसे राष्ट्र देख लें जो कई एक इंडिकेटर्स पर हिंदुस्तान से पीछे हैं, लेकिन आप वियतनाम में साफ सफाई का स्तर देखेंगे तो हम लोग को दसियों दफ़े विचार करना पड़ता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। और इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए हमारे मन में एक ख्याल आया कि हम लोग पेंट माई सिटी कम कंट्रीब्यूट एंड कलर एक नारे के साथ हम लोगों ने इसको शुरू किया। और पहले भी कुछ एक प्रयास हुए यहाँ पे, हमने सुना है और मैं जानता हूँ कि ब्लू इमाम जी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की इस आर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, इस ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए। उन्होंने कई कलाकारों को भी चिन्हित किया और उनको बाहर भी, फॉरेन का भी एक्सपोजर दिलवाया। शहर आपका है, आपको यहाँ रहना है, इसको संवारने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बोलती हुई दीवारों का शहर, सिटी ऑफ कलर्स के रूप में हजारीबाग को हम लोग स्थापित कर पाएंगे। सोहराय और कोहबर को और भी नजदीक से जानने के लिए हम मिले ऐसे शख्स से कि उन्होंने इस कला को सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैलाया। सोहराय और कोहबर केवल हजारीबाग का ये नहीं, एक परंपरा है, पूरा भारत का परंपरा है, पूरे झारखंड में होता है। अवसर होती है वो जब धान काटा जाता है और जब कोई भी उस समय में पूजा और चित्रकला होती है तो उसको सोहराय बोलते हैं, और जब शादी का अवसर पर जब श्रृंगार होती है दुल्हन के घर में तो इसको कोहबर बोलते हैं। ये तो हम लोग हजारीबाग में इसको ज़्यादा इस पर ध्यान दिए हैं क्योंकि हम इसको करीब अब 25-30 साल से रिसर्च कर रहे हैं और इस पर ध्यान लाएं पब्लिक का, इस पर कई किताब भी लिखे, फिल्म भी बनाए, विदेश में प्रदर्शन भी किए। अब जाकर के ये एक मान्यता समझिए कि एक कला के रूप से इसको मिल चुकी है। और क्या हम कहने चाह रहे हैं कि ये परंपरा हम लोग का सिर्फ नहीं है, ये भारतीय परंपरा है, झारखंड में सभी जगह होता है। और नाम का जब हम लोग बात करेंगे सोहराय और कोहबर का, तब इसमें हमारा समझिए दान योगदान या जो भी बोलिए यही है कि जो रंग से बना हुआ चित्रकला है इसको हम लोग सोहराय बोलते हैं, और जो कंघी से जो कटा हुआ है उसको कोहबर। लेकिन हमको ये समझना होगा कि शादी के अवसर पर जो बनती है उसी को कोहबर बोला जाता है,
चाहे वो कंघी का कटा हुआ या वो रंगा ही। और जब धान कटती है और जब खुट्टा बंधन पूजा होती है, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, वो जो चित्रकला जो होती है उसको हम लोग अब बोलते हैं कि वो मिट्टी का रंग से पीला मिट्टी, लाल मिट्टी, चरक मिट्टी, काला मिट्टी से बनती है, तो वो जो है सोराई जो बोलते हैं। मगर उस अवसर पर बहुत जनजाति आदिवासियों में, मुंडा उलाओं संथाल में ये पूजा होती है, तो उन लोग जब कला करते हैं तो हरदम रंग से नहीं, कभी कभी कंघी से भी काटते हैं। मुंडा तो उड़ाऊँ पेंटिंग करते हैं, मुंडा उंगली से काटते हैं, प्रजापति कंघी से काटते हैं, और धान जब कटती उस समय में तो ये तो सौराई का समय हुआ ना। मगर क्योंकि वो कंघी का कटा हुआ है, आजकल हम लोग उसको कोहबर कहते हैं, तो ये चीज़ हम ज़रा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग ये गलत फहमी में नहीं हो कि कंघी का बनाया हुआ चित्र केवल कोहबर का है और सौराई के नहीं। सौराई के समय में बनती है, लेकिन सौराई के समय में उसमें सिंदूर और चावल का जो ग्रोल होता है वो बना करके उसमें बूंद बूंद या मकई का गुठली पर दे के स्टैंपिंग किया जाता है ताकि कम से कम उसमें धान का जो चावल का कुछ उसमें अंग होना चाहिए। और सिंदूर तो खैर पवित्र चावल में कोई मान्यता है या मान्यता है, क्योंकि चावल ही तो पूरा अनाज है और पूरा सौराई का जो पर्व है चावल ही पर तो है। गेहूँ तो बाद में आती है, पहले तो चावल आती है। और चावल समझिए कि यहाँ का स्टेपल डाइट है, जो लोग इसी पर जीते हैं, मैंने 90% तो हम लोग लोग गांव में तो चावल ही पर जीते हैं ना। तो चावल को उसको जो है पीस करके और घर में बना के उसी से अरिपन बनती है। जब गाय को लाए, बैल को लाया जाता है घर में, वो पूजा में खर्च होती है। जब जब पूजा होती है, सिंदूर लगाई जाती है, सिंह में बैल का तेल दिया जाता है, जब धान का जब बाली यहाँ बांधा जाता है बैल पर, तो चावल ही ना ले करके घर के जो बड़े हैं माँ जो हैं वो चावल ना फेंकती है। तो आप देखे होंगे, तो ये सब कुछ चावल ही पर है। तो हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं शुरुआत से कि कंघी का कटाया हुआ हो या रंग किया हुआ हो, जो कला अक्टूबर नवंबर दिवाली का बाद में जो बनती है गोवर्धन पूजा का समय में वो सौराई हुई, और जो शादी का अवसर जो बनती है उसको कोहबर कहते हैं। ऊपर में दो भी मूर्ति लगाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कंघी से काटा गया है। कंघी से काटा, हाँ, ये कुछ से नहीं रंगा गया, कपड़ा या उंगली से नहीं रंगा हुआ, ये कंघी से कटा हुआ है। कट के अंदर काला जो पहले जो काली मिट्टी लगी हुई थी वो अब कटने का बाद में दिखते हैं तो चित्र बनते हैं, इसी को हम लोग कोहबर कला बोलते हैं। ऊपर में ये बाने चित्र बना हुआ है, बीच में मोर का चित्र बना हुआ है, मोर के छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, और बीच में ये तुलसी का पौधा या कमल का पौधा, ये तो कमल का पौधा दिख रहा है, और मोर और मोरनी यहाँ नाच रहे हैं। तो ये वही आपका समझिए कि कालिदासा के जैसा एक चित्र वन का है, जो वन में मोर नाचा वही टाइप का है। और शादी का अवसर में ये बनाया जाता है दिखाने के लिए कि अब शादी हुआ है, सब कोई खुश है, मोर नाच रहे हैं, यहाँ पर भी मोर का है, देखिए ये फूल लेकर के जा रहा है, अलग अलग चित्र है जानवर सबका, और ये बनाया गया है सुंदर के लिए, मगर एक पवित्र इसका मकसद होता है। हजारीबाग शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में यहाँ का रेलवे स्टेशन है। इस रेल लाइन की घोषणा सन 1999 ईस्वी में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। फरवरी 2015 को इस शहर में रेल का सपना पूरा हुआ। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर इस रेलवे लाइन का विधिवत उद्घाटन किया था।
इस पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर में झारखंड की स्थानीय कला सोहराय तथा कोहबर को देखा जा सकता है। तीन प्लेटफॉर्म और 6 ट्रैक का यह रेलवे स्टेशन मानव द्वारा निर्मित सौंदर्य का ही एक प्रतीक है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सोहराय तथा कोहबर कला को इस रेलवे स्टेशन पर बहुत बखूबी के साथ दर्शाया गया है। इस सुंदर कला की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी किया और इस कला के बारे में पूरे देश को बतलाया। हजारीबाग का संत कोलंबस कॉलेज उत्तरी छोटानागपुर के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक था। इस महाविद्यालय की स्थापना डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा की गई थी। इस महाविद्यालय को पहले एक छोटे से भवन में चलाया गया, बाद में 1904 ईस्वी में इस महाविद्यालय के विशाल भवन का निर्माण हुआ। सन 1890 के लगभग ईसाई पादरियों ने यहां सोचा कि विद्या का प्रचार हो, वो चाहते थे कि कुछ लोग पढ़े लिखे और उनके धर्म को अपनाएं। तो धर्म और शिक्षा के प्रचार के लिए कुछ युवकों को डबलिन से बुलाया। डबलिन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स 5-10 की संख्या में यहाँ कलकत्ता आए, कलकत्ता से रांची आए और हजारीबाग में उन्होंने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन खोला, जिनका उद्देश्य था कि वो शिक्षा का प्रचार करेंगे, लोगों को अपने धर्म की बात बताएंगे। तो पहले उन्होंने 1896 में संत को यहाँ एक डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन स्कूल, जिसको आज भी आप मिशन स्कूल के नाम से जानते हैं, की स्थापना की। उसके बाद 1899 में उन लोगों ने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज जिसका नाम हुआ और वो यह 1899 में एफए फर्स्ट आर्ट्स उसको कहते हैं, पहले अभी आज जिसको हम लोग आईए बोलते हैं उस समय में एफए कहा जाता था, फर्स्ट आर्ट्स के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हुआ, संबद्ध हुआ। पहले तो वहाँ 28 लोगों से इन लोगों ने कॉलेज शुरू किया था। पादरियों की लगन काफी सफल हुई, लोग आते गए, तो 1906 में उन्होंने इस कॉलेज का नाम बदला। इसका नाम डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज से बदलकर सेंट कोलंबस कॉलेज किया। यहाँ के धार्मिक स्थलों में एक अलग सुंदरता दिखती है, चाहे वो हिंदू धर्म का मंदिर हो।
या इस्लाम का मस्जिद। ईसाइयों का चर्च हो या सिख धर्म का गुरुद्वारा, या फिर जैन मंदिर, जरा इस शहर के बीचों बीच स्थित जिला समाहरणालय के चार दीवारी पर गौर कीजिए। आप पाएंगे कि हजारीबाग के प्रतिभावान मूर्तिकारों एवं बंगाल से आए कलाकारों द्वारा झारखंड की आदिवासी समुदाय को जीवंत रूप में उभारा गया है। कलाकारों द्वारा निर्माण कार्य को देखने दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। ये पास्कल है, शहर के कैथोलिक आश्रम के सामने इनकी एक छोटी सी दुकान है जिसमें ये लकड़ियों पर नक्काशी करके मूर्तियां बनाते हैं। इन्होंने अब तक करीबन 5,000 लकड़ी की मूर्तियां बनाई हैं। मेरा नाम पास्कर प्रभुदास है। हम हजारीबाग में 11 साल की उम्र से हम यहाँ रह रहे हैं। 77 में आए हैं वेस्ट बंगाल से, रायगंज से, पॉलीक्रोस में रहे। उसमें VTI में हम ड्राइंग सीखे। ड्राइंग सीखने के समय बुलू इमाम से भी ड्राइंग सीखे, मिस्टर परमेश्वर प्रसाद से भी सीखे। उसके बाद मदर सिगरेट हमको भेज दी पूना आर्ट कॉलेज तरफ बॉम्बे। वहाँ हम कुछ लकड़ी कला सीखे। उसके बाद हजारीबाग में 80 से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और यही रोड में हर कभी होली के बाद कभी कहीं इस दरमियान हम हर प्रकार का मूर्ति, मर गया उसका भी मूर्ति, कोई भी धर्म का मूर्ति, सब मूर्ति बनाते हैं।
इस शहर में गंदगी तो है पर इसी शहर में इस शहर को साफ करने वाले लोग भी बसते हैं। नेचुरल जो सीनिक ब्यूटी है इसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ का झील, यहाँ कैनरी सबसे ज़्यादा अभी डेवलपमेंट का ये देख रहा है। झील पे भी कुछ काम हुआ है, कुछ होना है। कैनरी पे इको टूरिज्म का बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और हम लोग बहुत जल्दी इसमें एक मृग पार्क, जिसको डियर पार्क बोलते हैं, उसका भी हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में जो बेसिक जो है हजारीबाग का, वो है आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोगों का है, वो बहुत चरमराया हुआ है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका मतलब वो सफाई से रह सके, साफ रह सके, हमारी जो सड़कें हैं वो साफ रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ बहुत दिनों से लिया हुआ है लेकिन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डंपिंग यार्ड नहीं मिल पाने के चलते ये योजना लंबित है काफ़ी समय से। अभी ये मिल गया है, हमको लगता है कि मंडे के आसपास में एक ज़मीन को ट्रेस आउट किया गया जहाँ के नया डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है और वहाँ बाद में कचरा को प्रोसेस करने का प्लांट भी लगाया जाए। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू होगा। सीवरेज का प्रोजेक्ट भी यहाँ चालू होने जा रहा है, यहाँ नया बस स्टैंड जो है इंटरप्रेस टर्मिनस, उसका भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू होने जा रहा है। तो आने वाले 2-3 सालों में जो अभी आप हजारीबाग देख रहे हैं उसे बहुत ही इम्प्रूव्ड हजारीबाग देख सकेंगे। जो साफ सफाई का सवाल है तो हमारे यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे जो बच्चे और जो भी मॉर्निंग वॉकर्स और बुजुर्ग आते हैं वो भी सफाई में अपना योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी लोग करते हैं और ग्राउंड के बाहर भी काफ़ी गंदगी फेंकते हैं, पॉलिथिन्स वगैरह फेंकते हैं और ग्राउंड के अंदर भी फेंक के चले जाते हैं। तो जब हम लोग सुबह आते हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि ग्राउंड को साफ़ रखा जाए, इसलिए हम लोग सबको ही मिल के अपने लड़कों के द्वारा इसको साफ करवाते रहते हैं और इस तरह हम लोग इसको स्वच्छ स्वच्छता अभियान को हम लोग जारी रखते हुए उनके पश्चिमों पर चलते हुए। Thank you.